हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन के वक्त उनके पिता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी वहां पर मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए कांग्रेस आलाकमान का आभार भी जताया। उधर भूपेंद्र हुड्डा ने इस पर कहा कि दीपेंद्र के राज्यसभा सांसद बनने से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी। आज के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शामिल नहीं हुई। जानकारी दे दें कि कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर काफी लंबे वक्त से सस्पेंस बरकरार था। खबरें मिल रही थी कि हरियाणा कांग्रेस में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा उम्मीदवारी को लेकर आमने सामने हो गए थे। हालांकि कल रात पार्टी ने दीपेंद्र के नाम पर मुहर लगाकर इससे सस्पेंस हटा दिया था। मुझे विश्वास है कि विधायकगणों का मुझे साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित तौर से अगर मुझे साथ और आशीर्वाद मिलता है तो मेरा प्रयास होगा कि न सिर्फ हरियाणा के मगर देश के करोड़ों लोगों की आवाज़, किसान की, गरीब नौजवान की आवाज़ मैं देश की संसद में रखने का काम करूं। मेरे लिए ये पहला राज्यसभा का नामांकन है। तीन बार जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा में लोग के आशीर्वाद से मुझे संसद में लोगों की बात उठाने का अवसर मिला है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये राज्यसभा का जो नामांकन है इसके पहला मेरे लिए एक मौका है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की विचारधारा को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ ही हम लोग चलते हैं। और आपको जैसे दिखाई भी दिया पूरी कांग्रेस पार्टी सिंधिया जी ने हमारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी के निवास स्थान पर जाकर उनसे आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद और उनका साथ मेरे साथ है और सभी विधायकों का कोई किसी कारणवश कांग्रेस के सभी 31 विधायकों का साथ और आशीर्वाद।